वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट से 48,500 साल पुराना एक वायरस खोजा है। वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं कि इनमें जमे हुए वायरस फिर से जिंदा हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा एक वायरस क्रिएटर न्यूक बनाया गया, यानी कि न्यूक्लियर, जिसकी टेस्टिंग होनी थी मार्स पे, बट उनको क्या पता था कि इसकी टेस्टिंग करते करते ये अर्थ पे ही फंस जाएगा। इस वायरस से भरे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग मार्स पे क्यों होनी थी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इसके अर्थ पे फटने के कारण चारों तरफ वायरस फैल गया। अच्छी बात ये थी कि ये एक सुनसान रेगिस्तान के पास था, और बुरी बात ये थी कि वहीं पर ही इसका क्योर था, यानी कि इस वायरस से बचने की दवाई, जो कि लैब में थी, और लैब बिल्कुल जहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उसके करीब थी। लकीली यहां पे एक न्यूक्लियर और बचा था, जिसमें मुझे क्योर का वायरस डाल करके, यानी कि इस पैरासाइट को क्योर करने का वायरस डाल करके उसको ब्लास्ट करना था। जो मैं ब्लास्ट करूंगा उसके रेडिएशन से जो क्योर फैलेगा चारों तरफ, वो इस वायरस को डिफ्यूज कर सकता है। ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे साइंटिस्टों को नहीं पता था कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बट इस वायरस ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी चारों तरफ। इससे कुछ ऐसे पैरासाइटों का जन्म हुआ जो कि जानवरों को, मॉब्स को एक अलग ही पैरासाइट क्रिएचर में कन्वर्ट कर दे रहा था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और कुछ बॉस पैरासाइट अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिए थे कि उनको हराना, उनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो चलिए देखते हैं क्या मैं इस वर्ल्ड में अपने 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा और क्योर वाला न्यूक ब्लास्ट करके इनको डिफ्यूज कर पाऊंगा, ये तो देखना ही रहेगा। ओके गाइस, तो भाई मैं स्पॉन हो चुका हूँ। ये कौन सा बायोम है? फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई खतरा नहीं है, तो सबसे पहले मुझे अपने टूल्स वगैरह बना लेने चाहिए और फिर मैं अपने लिए एक शेल्टर ढूंढूंगा। ओके, फिलहाल मैंने अपने लिए एक स्वॉर्ड और एक पिकेक्स बना लिया, जिससे मैं अपनी थोड़ी बहुत चीजें अपडेट कर पाऊँ। यहाँ पे भाई काफी सारा खाना दिख रहा है मुझे फिलहाल, तो अभी मेरे लिए खाना ही है भाई। अबे साले, इनकी जान हम बाद में बचाएंगे, पहले अपनी तो जान बचा ले। मुझे लगता है इस खाने का जुगाड़ हो गया है। सामने मुझे एप्पल जैसा पेड़ दिख रहा है, आई डोंट नो ये एप्पल है कि क्या है, तोड़ के देखते हैं। वो ये टूट नहीं रहा, ये क्या चीज है भाई, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा। ये किस चीज का पेड़ था? शायद वो पके नहीं होंगे इसलिए नहीं मिले मुझे। ये देखो, इस पेड़ पे एक एप्पल आई थिंक पका हुआ है, ये रहा। ओ देखो, ये मुझे मिल गया, नाइस, मतलब पके हुए एप्पल मैं ले सकता हूँ। और रास्ते में मेरे को एक अद्भुत नजारा दिखा, एक पिगी पेड़ पे चढ़ा हुआ है भाई। अरे क्या हुआ तुझे भाई? अरे मुझे सामने एक विलेज दिख रहा है, और आई थिंक ये विलेज अभी तक सिक्योर है, मतलब यहाँ पे कोई पैरासाइट नहीं होगा। अगर वो सिक्योर हुआ और वहाँ पे कोई पैरासाइट नहीं हुआ, तो इसके आसपास ही मैं अपना घर बना लूंगा। मुझे जल्दी से अपने लिए एक रेडियो एक्टिव सूट भी बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ तक रेडिएशन कितने टाइम में आ जाए, तो मुझे अपने लिए एक बढ़िया सा रेडियो एक्टिव सूट भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत खाना वाना भी मिल रहा है। यहाँ पे ये विलेजर जो है, ओके गाइस, ये नॉर्मल विलेजर है, मतलब यहाँ पे वायरस नहीं फैला है, और ये बेकार ही लूट दे रहा है भाई। पता नहीं मैं इनको क्यों बचा रहा हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, बचाना तो मुझे इनको है ही। मुझे लगता है गाइस मुझे यहीं पर अपने आसपास एक घर बना लेना चाहिए। अब देखो, मैं तो इन विलेजर्स की तरह इतना बड़ा दिलदार नहीं हूँ कि भाई यहाँ नीचे ही अपना घर बना लूँ, क्योंकि जो पैरासाइट्स हैं, जब वो पैरासाइट्स आने यहाँ पे शुरू होंगे, इनको इन्फेक्टेड करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इनको इन्फेक्ट होने से तो नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और बहुत पावरफुल भी होते हैं वो। बट अभी के लिए मैं अपने आप को बचाना चाहूँगा भाई, क्योंकि अगर मैं बचा रहा तो ही मैं क्योर ढूंढ पाऊंगा और तो ही इन सबको बचा पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बचाना है, फिर उसके बाद ही मैं इनको बचा पाऊंगा। Well done, तालियां होनी चाहिए यार। सबसे पहले मुझे थोड़े बहुत स्टोन वगैरह चाहिए होंगे। ओके, मेरे को थोड़े बहुत स्टोन, डर्ट और ये सब चीजें मिल गई है, तो चलो यहाँ पे मैं अपने लिए एक घर बनाने वाला हूँ। ओ माई गॉड गाइस, मुझे शिट, यहाँ पे एक पैरासाइट आ गया। ओ शिट गाइस, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। शिट, ओह मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं कह रहा था ना गाइस, यहाँ पे पैरासाइट आने शुरू हो जाएंगे, मुझे इसको मारना पड़ेगा। ओके, ये बाकी सबको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा यहाँ पे, ये बहुत दिक्कत हो गई, मुझे अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मुझे पैरासाइट दिखने शुरू हो गए थे। अच्छा, मेरे पास बेड बनाने का सामान था, तो मैं बेड बना के सो गया। सोने की वजह से ये हुआ ना कि जो पैरासाइट आया था ना, वो डिस्पॉन हो गया। आई होप कि वो चला गया हो यहाँ से भाई।
बट वो बहुत ज्यादा फास्ट था। अरे भाई ये काओ यहाँ पे कैसे चढ़ी हुई है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मुझे लगता है गाइस ये भी बहुत ज्यादा डर गई है इसलिए ऊपर चढ़ गई है भाई। ओके गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉक से घर नहीं बना सकता। यस गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इन कोबल स्टोन से, ओक वुड से और डर्ट वगैरह से अपना घर बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो लॉर्ड क्रिएचर्स होते हैं ना, इसमें लॉर्ड क्रिएचर्स भी है जो कि इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब ऐसे पैरासाइट है जो कि बॉस पैरासाइट आप उनको बोल सकते हो, वो इवॉल्व हो चुके हैं और वो किसी भी तरह का ब्लॉक हो, चाहे वो आयरन का ब्लॉक हो, गोल्ड का हो, यहाँ तक कि ऑब्सीडियन भी हो, वो उसको भी ब्रेक कर देंगे। तो भाई मैं बनाऊँ तो घर किस चीज़ से बनाऊँ? अगर मेरे पास घर ही नहीं होगा तो मैं अपने आप को बचाऊँगा कैसे? तो इसका भी सोल्यूशन है। आप मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो एक अलग तरीके का ब्लॉक है जिसको आप एंटी ब्रेक ब्लॉक बोल सकते हो, क्योंकि उसका रियल नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है। क्या बात है? तो भाई ये ब्लॉक्स मेरे को ढूंढने पड़ेंगे और इस तरीके के स्ट्रक्चर हमारे वर्ल्ड में बहुत जगह पे बने हुए हैं, क्योंकि ये एक तरह के बंकर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक न्यूक्लियर ब्लास्ट टेस्टिंग फील्ड में हूँ जहाँ पे न्यूक्स को टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंकर बने हुए हैं। तो वहां से मेरे को ये एंटी ब्रेक ब्लॉक्स ढूंढ ढूंढ के लाने होंगे जिनसे मैं अपना घर बनाऊंगा, ताकि जब बड़े पैरासाइट आए, क्योंकि छोटों से तो मैं निपट लूंगा लेकिन जब बड़े पैरासाइट आएंगे तो उनसे मैं निपट नहीं पाऊंगा, उनसे मुझे ये ब्लॉक्स बचाएंगे। और हाँ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, उतने ही ज्यादा क्रिएचर्स मेरे को चारों तरफ से घेरते जाएंगे और उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए लेबोरेटरी तक पहुंचना और क्योर ढूंढना। तो भाई साहब ये इतना भी इजी नहीं होने वाला, तो इस जर्नी में गाइस मेरा साथ देना। अरे आ जाओ भाई अंदर आ जाओ यार, मैं कुछ नहीं चुरा रहा तुम्हारे घर से। ओके गाइस तो यहाँ पे भाई बंकर है और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे थोड़े से भाई पके हुए एप्पल दिख गए तो ये तोड़ लेता हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का, क्योंकि पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। चलो गाइस मजाक से हटके देखो, यहाँ पे बंकर्स हैं और इन बंकर्स में से मुझे ये वाले ब्लॉक्स निकालने होंगे ताकि मैं इनसे अपना घर बना सकूं। लेट्स गो। और यहाँ पे कुछ पार्ट्स भी हैं भाई, ये क्या है? गैस मास्क। ओ मेरे को गैस मास्क मिला, बट भाई अभी मेरे को गैस मास्क नहीं, अभी मेरे को पूरा बायो हाजार्ड सूट चाहिए जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकूं। ओ यार पैरासाइट की आवाज आ रही है यहाँ पे सच में मुझे। ओके यहाँ पे एक टेटोनेटर है भाई, ये बहुत जरूरी चीज है, बाद में बताऊंगा इससे क्या होगा। भाई ये आवाज कुछ ज्यादा क्लोज से आ रही है मेरे को। ओके आई थिंक ये इसकी आवाज थी भाई, मुझे लगा कोई पैरासाइट है। थोड़े ग्लो स्टोन भी ले लेता हूँ, बट मुझे लगता है ग्लो स्टोन नहीं है क्योंकि ये एक अलग वाला ब्लॉक है, ये ग्लोस्टोन नहीं है भाई। रीइंफोर्स ग्लोस्टोन। ओ शिट कुछ आवाज आ रही है गाइस, मुझे लगता है बाहर मॉब्स वगैरह ना आ गए हो। ये मैं फंस तो नहीं गया यहाँ पे, जल्दी निकलता हूँ बाहर यहाँ से। ओके अभी दिन है तो मतलब अभी पैरासाइट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते। मेरे को थोड़ी बहुत चीजें मिल गई हैं जिनसे मैं अपना प्लेटफॉर्म तो बना ही सकता हूँ एटलीस्ट। ओ माय गॉड गाइस ये मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। ओह शिट ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मेरे पास मल्टीपल लाइफ है। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं और मुझे जल्द से जल्द भाई यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाना अपने लिए। ओके तो मेरा घर थोड़ा बहुत रेडी हो गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। भाई ये थोड़े बहुत ब्लॉक मेरे को थोड़ी और दूसरी जगह से लाने पड़े, मेरा इन्वेंट्री पूरा खाली हो गया है और मेरे पास एक गन भी है जो कि आप लोग देख रहे हो। तो ये गन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मुझे कहाँ से मिली, और बाकी मेरे पास सामान क्यों नहीं है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बाकी मैंने अपने पिलर भी कंप्लीट कर दिए भाई, ये पिलर मेरे अधूरे रहते थे बट ये मैंने कंप्लीट कर दिए। तो घर का एक छोटा सा टूर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये है मेरा घर और यहाँ से जब आप एंटर करते हो ना तो इसको बंद करना मत भूलना,
तो ये है गाइस मेरा छोटा सा घर। इसकी छत नहीं है क्योंकि अभी मुझे थोड़े और ब्लॉक्स लेके आने हैं भाई। तो ग्लासेस के लिए तो मैं नीचे से सैंड ले सकता हूँ। एक चीज और, सारे पेड़ों के एप्पल जो है वो पक गए हैं। लेट्स गो, मतलब खाना ही खाना भाई। मैं कैसे भी तरीके से मरूं, लेकिन इस वीरान बंजर रेगिस्तान में भूख से तो नहीं मरूंगा। थोड़ा सा सैंड इकट्ठा करो, थोड़ा डर्ट इकट्ठा करो और बाकी पत्थर इकट्ठे कर लो। और हाँ, खाने के लिए यहाँ से वीट लेना ना भूलना भैया। और अब मुझे थोड़ी लड़कियाँ और मतलब लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी। 2000 years later. और मैं काफी सारी लकड़ियाँ वगैरह लेके आ गया हूँ, तो मेरे को अपना स्टोरेज सिस्टम भी बना लेना चाहिए यहाँ पे। एक में जाएंगे सारे ब्लॉक्स, एक में जाएगा खाना और बाकी में आलतू फालतू की चीजें। बट गाइज, अब मुझे जल्दी से जल्दी ना आयरन वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार कब तक मैं स्टोन के टूल्स यूज करूंगा, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो चलो गाइज, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि मुझे शॉटगन कहाँ से मिली। मगर भाई रात हो गई है, इससे पहले कि यहाँ पे पैरासाइट स्पॉन होना शुरू करे, मेरे को फटाफट से अपना बेड उठा के अपने घर के अंदर लगाना होगा, ताकि मैं सो जाऊं और दिन हो जाए। ये रहा बेड। ओके, थैंक गॉड गाइज, दिन हो जाएगा अब। ओके, मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ और यहीं पर मुझे ये शॉटगन मिली थी और ये गोलियां मिली थी। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा नहीं लूटा था यार, क्योंकि मैं इसको वीडियो में दिखाना चाहता था, क्योंकि यार इसमें ना बहुत सारी लूट है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, ये रिएक्टर चैम्बर के ग्लासेस हैं, बैटरी हैं, और इन बैटरीज में ना पावर भी है। मतलब ये आगे जाके जब मैं अपनी मशीनें बनाऊंगा ना, तो उसमें लगाने के लिए मुझे काम आने वाली है। और ये ब्लॉक मैं निकाल लेता हूँ भाई, बड़ा फैंसी सा लग रहा है। और ये स्टोरेज बैंक है भाई पावर का। ओके, मेरे को एक गन और मिली, और इसके अंदर जो गोले डलेंगे वो है 20 gauge buckshot। तो 9 गोलियाँ हो गई मेरे पास। और कुछ मेरे पास छोटे से रॉकेट भी हैं, और एक फैट न्यूक भी है, यानी कि न्यूक्लियर। तो इस तरीके से गाइज मेरे को, बट ये पूरा न्यूक्लियर नहीं है गाइज, ये एक तरह का पार्ट है। तो ये पार्ट मेरे को ढूंढने हैं भाई बहुत सारे, ताकि मैं अपना एक परफेक्ट न्यूक बना सकूं। और आप लोगों को पता है भाई, जो ओरिजिनल चीज है यानी कि क्योर, वो तो लाइब्रेरी में है। बट उसके लिए मेरे को एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मेरे को चीजें भी इकट्ठा करनी पड़ेगी। मतलब मेरे को बहुत सारे बंकर्स को लूटना पड़ेगा। वैसे मैं इन बनीज को मार सकता हूं। ये क्या है? ओ शिट गाइस, मैं रेडियो एक्टिव जोन्स में आ गया हूँ भाई। यहाँ पे रेडिएशन है, मैं मर भी सकता हूँ। मेरे को थोड़ा दूर जाना है, मेरे को नोसिया हो गया, कंटेमिनेटेड। ओके, तो भाई मैं बच गया मरने से, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिव। ओ शिट, ये क्या था? मैं डर गया भाई, क्या हुआ था? क्या मेरे प्लेयर ने उल्टी करी अभी अभी? मुझे लगा उल्टी करी मेरे प्लेयर ने अभी अभी। शिट, मुझे लगता है ये एक बार और उल्टी करने वाला है। ओके गाइस, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। अभी अभी जिस जगह से मैं आया हूँ, वहां पर टेस्टिंग के दौरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ा गया होगा, और वो जोन जो है वो रेडियो एक्टिव जोन था। और मैं वहां पे अनलकीली कह लो, या फिर इत्तिफाक से वहां पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रेडिएशन लग गया है। मतलब मैं रेडिएशन की चपेट में आ गया हूं। अब मुझे नहीं पता कब तक रहेगा, और क्या मैं इसका क्योर बना सकता हूं, ये भी नहीं मुझे पता। बट एक चीज है, इसके जो लक्षण है वो ये है। सबसे पहले मेरे बॉडी में वीकनेस आएगी, मतलब वीकनेस, माइनिंग फटीक, नौसिया, और ये सब इफेक्ट मुझे लगेंगे। उसके बाद मैंने जो खाया पिया वो सब निकल जाएगा, मतलब मुझे वोमिट होना शुरू होगी, और वो जो वोमिट होगी वो रेडियो एक्टिव वोमिट होगी। फिर उसके बाद इसका असर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते अगर मैंने इसका क्योर नहीं ढूंढा, तो ये जो उल्टी नॉर्मल तरीके की उल्टी हो रही है ना, ये ब्लड की उल्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ब्लड वोमिट होने लगेगी मुझे, फिर उसके बाद मैं मर भी सकता हूँ, और मुझे नहीं पता मरने के बाद ठीक होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यहाँ के। ओके गाइस, तो मैं घर पे आ गया हूँ भाई, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है मेरी। मेरा जो कैरेक्टर है वो खून की उल्टियां करने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले अजीब पेट खराब वाली उल्टी कर रहा था, बट अभी जो खून की उल्टी करने लग गया है। और ये देखो भाई साहब, भाई ये क्या हो गया यार मेरे कैरेक्टर को? हो सकता है ये इस रेडियो एक्टिव की वजह से हुआ है ये सब चीजें। भाई मेरे को अब अगली बार ना बहुत सोच समझ के जाना होगा। भाई खून की उल्टियां कर रहा है यार कैरेक्टर, शिट क्या हो गया ये? ये देखो भाई, उल्टियां ही उल्टियां कर रहा है। ओके गाइस, तो भाई अब टेस्ट करने की बारी आ गई है इस शॉटगन को।
लेट्स गो, देखते हैं कितना डैमेज देती है। होली क्रैप, ओ यार मैं भूल गया था, शिट मैं भूल गया था कि मैं एंडरमैन को नहीं मार सकता इस गन से। ये एक तरह का बो की तरह काम करती है और बो से हम एंडरमैन को मार ही नहीं सकते हैं। शिट, अरे भाई विलेजर हट सामने से। गाइस मेरे को एंडरमैन को मारना, यार मुझे एंडर पल चाहिए भाई। मेरे को एक और एंडरमैन मिल गया है, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? लेट्स सी। ओ माय गॉड, मेरे को एक एंडर पल मिल गया, मतलब यहाँ पे लगता है कोई एंडरमैन मर चुका है। शिट, और ये क्या है? कॉल ऑफ द हाइव, मुझे मारना है इस एंडरमैन को। ओके मेरे पास दो एंडर पल हो गए हैं, लेट्स गो। ओ ये क्या, ये क्या था? शिट गाइस, ओ मेरे को एक और एंडर पल मिला, नाइस, तीन हो गए मेरे पास। तो गाइस ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो रख देता हूँ मैं। बाकी फ़िलहाल गाइस मेरी एक गन की बुलेट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो इस गन को मैं यहाँ रख देता हूँ। एक दिक्कत हो गई है यहाँ पे, नीचे जो है एंडरमैन वाले पैरासाइट आ गए जिनको मैं मार नहीं सकता क्योंकि वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखो, बट एंडरमैन वालों को मैं नहीं मार सकता गाइस क्योंकि वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं। देखो वो रहे, देखो नहीं मार पा रहा मैं उसको। शिट, ओ शिट, ये ऊपर कहाँ से आए? मुझे लगता है गाइस ये एंडरमैन है जो वही इनको यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है या फिर स्पॉन कर रहा है। ओके गाइस मेरे पास 7 बुलेट बची हैं, अब मुझे बुलेट्स का भी जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। मुझे लगता है गाइस मुझे इनसे पंगे नहीं लेने चाहिए अभी, बट यार मुझे इनको मारना होगा भाई। ये एंडरमैन्स बहुत खतरनाक है यार, इस गेम के नाइट में रहिए एंडरमैन्स। शिट 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 शिट, ये ऊपर, ये जो इवॉल्व एंडरमैन है ना यही टेलीपोर्ट कर रहा है सारे के सारे मॉब्स को मेरे घर पे, मतलब वो ट्रांसफर कर रहा है और यहाँ पे उनको टेलीपोर्ट कर दे रहा है ताकि ये मुझे मार सके। मतलब इन मॉब्स का जो एआई सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और अभी जो मेरे साथ होने वाला है कृपया करके कमजोर दिल वाले उस चीज को ना देखे। You're the last one. Complete the mission. Only, it's only a game. Why you have to be mad? You picked the wrong house, fool! बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ओके गाइस लेट मी क्लियर, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इतना ज्यादा क्यों मर रहा हूँ? इसका एक रीजन है, और इसका रीजन ये है, एक तो नाइट टाइम, ऊपर से मेरा बेड यहीं लगा हुआ है। जब भी मुझे कोई पैरासाइट मुझे मारता है ना तो उसका इन्फेक्शन मेरी बॉडी में लग जाता है, मतलब मैं मर तो जाता हूँ लेकिन जो मेरी बॉडी है वो एक तरह के पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 4x4 गेमिंग नाम के बहुत सारे पैरासाइट हैं, और जब मैं इनको मारता हूँ ना तो जैसे इनका लो हेल्थ होता है तो ये ब्लास्ट होते हैं, और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे पैरासाइट फैला देते हैं, और इनके जो मुंडी होती है ना वो ब्लास्ट के बाद वो मुंडी एक अलग पैरासाइट में बदल जाती है जो मुझे मारने के लिए दौड़ती है। और ये जो छोटे छोटे से पैरासाइट निकलते हैं ना, अगर मैं इनको टाइम से ना मारूं तो ये इवोल्व हो जाते हैं बड़े वाले पैरासाइट में, जो मुझे मारेगा मेरी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, मैं फिर वापस से स्पॉन होऊंगा, अपनी बॉडी को मारूंगा, वो फटेगी, ब्लास्ट होके पैरासाइट फैलाएगी, उसका हेड निकल के मुझे मारने की कोशिश करेगा और मैं मर गया तो फिर वापस से ये चीज़ रिपीट होगी, रिपीट एंड रिपीट। मैं एक तरह के लूप होल में फंस गया था, तो बड़ी ही मुश्किल लगी मुझे इस लूप होल से बाहर निकलने में। मुझे बेस छोड़ के भागना पड़ा काफ़ी दूर, और जब तक ये डीस्पॉन ना हो जाए तब जाके मुझे वापस आना पड़ा। ओ माय गॉड, सो फाइनली गाइज मैं लूप होल से निकल गया भाई। ये क्या था भाई? गाइज मेरे को इस घर की छत बनानी पड़ेगी भाई जल्दी से जल्दी, बहुत ज़्यादा भसूड़ी फैल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भाई। ये तो लूप होल क्रिएट कर दे रहे हैं। शिट 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 शिट, फिर से आ गया कोई, फिर से आ गया, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ मरा तो लूप होल क्रिएट होगा। लिटरली गाइज मेरे को नहीं पता यहाँ पे मैं कितना सेफ हूँ,
क्योंकि अभी तो आप लोगों ने देख ही लिया मौत का नंगा नाच, और अब ये गन भी मेरे किसी काम की नहीं है, तो मुझे इसको रख देना होगा यहाँ पे। और अब मैं जाने वाला हूँ भाई एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगा। तो मेरे पास थोड़ी क्ले है, क्ले को मैं पका लेता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत चारकोल बना लिया था, और मैं ऐसा करता हूँ इस ज़मीन को थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि मेरे घर में थोड़ी और जगह बन जाए मुझे यहाँ पे चीज़ें लगाने के लिए। ओके, तो भाई यहाँ पे मैंने घर में थोड़े से चेंजेसेस कर दिए हैं, और ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है? ओ तेरी शिट भाई, ये इनको तो भाई मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी बस देखते जाओ, मेरे को थोड़ा सा अपडेट होने दो। इन्होंने बहुत सर में दर्द कर दिया भाई, पूरी ऐसी के तैसी कर दी इन्होंने, पूरे घर की भी और मेरी भी। अब मैं जाने वाला हूँ एक अलग जगह पे जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ माइनिंग करूँगा। तो मुझे सबसे पहले तो ब्रिक्स बनानी होंगी, और एक चाहिए मुझे एंडर पर्ल, और एक चाहिए मुझे स्टोन की पिकैक्स। तो मैं जाने वाला हूँ एक माइनिंग डायमेंशन में जहाँ पे मैं माइन करूँगा। तो ये वो माइनिंग डायमेंशन है जो मेरे को बनाना है, मेरे को एक ब्रिक और बनानी होगी। लेट्स गो। तो ये है गाइस वो माइनिंग डायमेंशन, और इसके अंदर मुझे जाना होगा, और इसको मैं लगाने वाला हूँ यहाँ कोने पे। तो जैसे मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूँ ना, और यहाँ पे शिफ्ट राइट अभी नहीं करूँगा, रुको, पहले मुझे थोड़े से स्टिक्स चाहिए होंगे। मुझे नहीं पता माइनिंग डायमेंशन कैसा होने वाला है, क्या वहाँ पे भी पैरासाइट होंगे क्या। तो चलो चलते हैं, देखते हैं माइनिंग डायमेंशन में क्या मिलता है अपने को। ओके गाइस, तो भाई माइनिंग डायमेंशन में हम आ गए हैं, और ये है मेरा पोर्टल। तो भाई इस पोर्टल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अगर मैं आस पास जाऊँ तो ये मेरे को याद रहे कि कहाँ पे है ये। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जगह गाइस पूरी की पूरी पीसफुल है, मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी पैरासाइट नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे वायरस नहीं फैला। क्योंकि यार यहाँ पे वायरस फैलेगा भी कैसे, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है। तो चलो गाइस, अब यहाँ पे गाइस अपने को माइन करना है। मैं पिकेक्स बहुत कम लेके आया हूँ वैसे देखा जाए तो, यार मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारी पिकेक्स लगेंगी यार, इतनी सी पिकेक्स से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कोल मिल गया है काफ़ी सारा। चलो गाइस, काफ़ी सारी पिकेक्स मेरे पास आ गई हैं, अब मैं जी भर के यहाँ पे चीज़ें माइन कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे मेरा पहला आयरन भी दिख गया है। आई डोंट नो ये कितने होने वाले हैं, लेट्स सी। रात हो गई है गाइस, और छत मैंने बना लिया अपने बेस की। तो चलो सो जाते हैं, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं अपने बेस को थोड़ा डिफेंसिव बनाने वाला हूँ गाइस। देखो यहाँ पे मैंने अपना जो फर्नेस है उसको गोल्ड तक कर लिया है, तो ऐसा करता हूँ मैं इस वाले फर्नेस को भी गोल्ड तक कर लेता हूँ। और ऐसा करता हूँ मैं तीन फर्नेसों को स्मेल्ट करता हूँ, क्योंकि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मेल्ट करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा करता हूँ तीन फर्नेस को करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास रिसोर्सेस हैं। ओके, तो ये डायमंड में नहीं हो रही। ओके, सिर्फ दो डायमंड लगेंगे, बाकी ग्लास लगेंगे, एक दो तीन। तो तीन फर्नेस हो गए मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे कोल भी है भाई। मैं फुल स्टैक कोल का रखने वाला हूँ इनके भी अंदर। अब मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाने वाला हूँ कि मैं सेफ्टी के लिए क्या बना रहा था भाई। तो चलो देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना चार पिलर बनाए हैं, एक यहाँ पे बनाया, एक वहाँ पे बनाया, और यहाँ पे मैंने ना फैंस लगा दिए। और इन चारों ही जगह पे मैंने नीचे ना पानी की एक जगह छोटी सी बनाई है। ये देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कूदूंगा ना तो मैं सीधा पानी में आऊँगा। और यहाँ पे देख रहे हो, मैंने चारों ही पिलर के पास बनाई है, ताकि अगर मेरे बेस पे कोई लूप होल क्रिएट होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, तो मैं उससे बच सकूँ। तो भाई उस लूप होल से बचने के लिए मैंने ये चीज़ें करी है, और यहाँ पर मैं इसको भी सही करने वाला हूँ। और ये मैं सिर्फ एक ही पैरासाइट से बचने के लिए कर रहा हूँ, जिसका नाम है असासिन एंडरमैन। भाई वो पैरासाइट सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पैरासाइट है, और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पानी। तो भाई पानी ही मेरे को उस एंडरमैन से बचा सकता है, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखो वो फिर से आ गया यार, शिट 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 शिट।
अरे नहीं 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 नहीं, वो सांस भी नहीं लेने देता भाई यार। लेकिन अभी मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखो पानी में नहीं आ सकता वो, आ जा आके दिखाना पानी में। ओ ये पानी में भी आ सकता है, असंभव असंभव। नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व कर लिया है गाइस, इसने ये पानी के अंदर भी आ सकता है। शिट, मुझे लगा था ये पानी में नहीं आ पाएगा बट ये पानी में आ सकता है। मुझे लगा था गाइस मैं पानी के अंदर इसको मार पाऊंगा। वैसे पानी में देख रहा हूँ ना मैं उसको, तो उसको डैमेज पड़ रहा है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या वो पानी में मर पाएगा। वो ऊपर तक चढ़ पा रहे हैं यार, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये क्या नाइट मेरा भाई, अगर मैं मरता हूँ तो ये मेरे भी क्लोन बना लेते हैं। मेरे को थोड़ी और सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी यार, वो टेलीपोर्ट होकर घर के अंदर ना आ जाए। मैं ऐसा करता हूँ घर में थोड़ी टॉर्च लगा देता हूँ। मुझे पता है मुझे सिक्योरिटी के लिए क्या बनाना है, तो ये सेंट्री में बनाने वाला हूँ। ये एक तरह की टरेट होती है जो कि मेरे को इन मॉब से बचाएगी, तो उसके लिए मेरे को स्टोन बनाने पड़ेंगे और थोड़े ग्लास भी चाहिए होंगे मेरे को, और थोड़े से ग्लास और बना लेता हूँ क्योंकि भाई मैं मल्टीपल बनाने वाला हूँ। चलो देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। रेड स्टोन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। तो गाइस मेरे चारों तरफ ना पैरासाइट ही पैरासाइट आ गए हैं, और ये देखो भाई ये किसी की गर्दन है। और अब मैं सो भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो डेफिनेटली मारा जाऊंगा, क्योंकि वो ऊपर तक चढ़ चुके हैं। और भाई ये एंडरमैन का तो यार इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते यार। ये देखो मेरे पकी हुई सेब खा रहा है भाई। तो इनसे बचने के लिए ना मैंने एक सेफ्टी चीज बनाने वाला हूँ जो कि है सैनिटरी। तो भाई ये सैनिटरी मेरे को बनानी पड़ेगी। ये एक तरह की टरेट होती है, तो इसको बनाने के लिए रेडस्टोन, आयरन और स्टिक्स वगैरह ग्लास वगैरह चाहिए जो कि मैंने ले लिए हैं। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गो। और हाँ यार थोड़े और ग्लास बनाए थे मैंने। वैसे मैं ये एक नहीं गाइस, मैं ये थोड़ी मल्टीपल बनाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो सारे सामान भाई मेरे पास आ गया है और यहाँ पे तीन सैनिटरी मेरे पास बन गई है। सो गाइस देखो, एक तो मैं यहाँ घर के अंदर लगाने वाला हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। और जैसी मोब आएंगे ना भाई, अटैक होस्टाइल मोब एंड प्लेयर एग्रेसिव ऑलवेज एक्टिव, तो भाई ये वाली सेटिंग मुझे इसमें करके रखनी होगी। और एक लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे घर के बाहर। ये चालू हो गई है गाइस, और वो मार रही है, लेट्स गो। बट वो एंडरमैन को नहीं मार पा रही, क्यों? ओ शिट गाइस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? मेरे को यहाँ से ये तोड़ने होंगे यार, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है भाई। एंडरमैन को नहीं मार पा रही है ये चीजें। ओ माय गॉड गाइस, मेरे को यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी एक सैनिटरी। ओ भाई मुझे लगता है मुझे और सैनिटरी बनाने पड़ेंगे भाई। ये काम तो कर रही है मगर इतना ज्यादा बढ़िया भी काम नहीं कर रही है। 12 o'clock midnight. मुझे इस वर्ल्ड की एक बात पता चली कि जैसे जैसे मेरे इस गेम के दिन बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे वायरस और ज्यादा म्यूटेट होता जाएगा। और वायरस म्यूटेट होने की वजह से ये जितने भी पैरासाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा ओपी वाले पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अब यहाँ पे कुछ उड़ने वाले, कुछ फूटने वाले, कुछ ब्लास्ट होने वाले, मतलब बहुत खतरनाक पैरासाइट आने वाले हैं कुछ टाइम में। तो मैंने एक रीइंफोर्सर बनाया, और जितने भी वेनिला वाले ब्लॉक थे ना, मतलब ये जो मैंने वुड वगैरह यूज किया था, स्टोन वगैरह यूज किया था अपने घर में, उसको रीइंफोर्सर से इन्फोर्स कर दिया। मतलब ये ब्लॉक अब कभी भी नहीं टूटेंगे, अगर मैं इनको तोड़ना चाहूंगा तब भी नहीं टूटेंगे ये, और ना ही ये फायर से खराब होंगे। और बाकी के जो ब्लॉक्स है, ये ब्रिक्स वगैरह मेरे घर में लगी हुई है, ये तो ऑलरेडी इनफोर्स है। तो मतलब अब मेरा घर तो नहीं टूटने वाला। अगर मेरे घर पे म्यूटेटेड उड़ने वाले पैरासाइट्स का अटैक होता है, रेड होती है, तो वो मेरे को नहीं मार पाएंगे। अब मेरे को तैयारी करनी है कुछ खतरनाक बनाने के लिए। अब मेरे को बहुत तगड़ी वाली सैनिटरीज यानी कि टरेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली टरेट तो रबड़ बुलेट फेंकती है, और रबड़ बुलेट जो है इनको बहुत देर में मार पा रही है। और अब देख रहे हो उड़ने वाले भी आने लग गए हैं, मतलब मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है लैबोरेटरी तक पहुंचने के लिए। अगर कुछ टाइम में मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया और ऐसे ही मरता रहा, अपने लिए एक अच्छा सा आर्मर नहीं बना पाया, तो हो सकता है ये गेम यहीं पर ही खत्म करनी पड़े मुझे, क्योंकि फिर वो मुझे स्पॉन होने का भी चांस नहीं देंगे, वो मुझे लूप होल में फंसा देंगे, मारते ही रहेंगे और मैं अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी नहीं हो पाऊंगा। तो चलो गाइस एक लाइक कर दो मेरे लिए ताकि मैं थोड़ा सेफ रह सकूं और इन पैरासाइट को नष्ट कर सकूं। तो माइनिंग डायमेंशन से मैं थोड़े बहुत रिसोर्सेस निकाल करके लेके आता हूं, और यहां पे मैंने थोड़ी बहुत फेंस वगैरह भी लगा दी है। काफी हद तक मैं अपने बेस के पास पैरासाइट्स पे कंट्रोल कर चुका हूं,
बट वो जो जमीन में से निकलने वाले नए तरीके के इवॉल्व हुए ना पैरासाइट, उनसे बचना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। बट अब मुझे नए तरीके की चीजों को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके शायद मैं इनसे छुटकारा पा पाऊं, वरना ये मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई मैंने थोड़े बहुत अपडेट किए हैं, जिसमें से मेरा पहला अपडेट है मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे मैंने कुछ मशीनरी बनाई है और इनको मैं पावर से कनेक्ट कर देता हूँ। लेट्स गो। तो ये पावर से कनेक्ट हो गई है और पावर के लिए मैं दो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडमिल का, जो कि हवा से एनर्जी बनाती है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ईजी है इसको बनाना, ओस्मियम से बन जाती है और आयरन से। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ सौर पैनल, क्योंकि यार मैं रेगिस्तान में और यहाँ पे ना धूप अच्छी खासी निकलती है, तो दिन में ये बहुत अच्छी पावर बनाते हैं। और इनको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये कनेक्ट हो गया, लेट्स गो। तो ये मैंने बनाया छः और थोड़े बहुत मेरे पास विंडमिल है। अब भाई रात हो गई है, यहाँ पे मॉब स्पॉनर से पहले मैं सो जाता हूँ। और बेड को मैंने थोड़ी स्पेशल जगह पे लगा दिया है ऊपर, ताकि अगर मैं लूप होल में फंसूँ तो भाई कम से कम निकल सकूँ उससे। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई है, दो एनर्जी के क्यूब भी लगा दिए मैंने यहाँ पे, ये एनर्जी को स्टोर करेंगे, बाकी एनर्जी मेरे यहाँ पर चीज़ों में आएगी। और थोड़ी सी चीज़ें मैं और बना लेता हूँ। और तो यार दिक्कत इस चीज़ की आ रही है, देखो दिक्कत किस चीज़ की आ रही है कि मेरे को ना रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं रिसोर्सेज के लिए सोच रहा हूँ मैं बार बार ना माइन करने जाना पड़ता है मेरे को, और मेरी बहुत सारी पिकेक्स वगैरह टूटती रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने लिए ना एक ऑटोमेटिक माइनर बना दूँ, जो कि कुछ इस तरीके का बनता है। तो चलो इसको बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये मैं बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो भाई मैं आउट ऑफ आयरन हो गया हूँ, इतनी सारी सैनिटरी बनाने के चक्कर में ना मैं आउट ऑफ आयरन हो गया हूँ। तो मेरे को माइनिंग डायमेंशन में जाके थोड़ा बहुत आयरन लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से माइन कर रहा था भाई मैं यहाँ पे, देख रहे हो मैंने सारे के सारे कोबल स्टोन यहाँ से निकाल दिए हैं अब, जिससे कि मैं मतलब आसानी से अपनी चीज़ें इस तरीके से निकाल पा रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे को आयरन चाहिए, तो मैं सारा का सारा सबसे पहले आयरन ही लूँगा यहाँ से। चलो गाइस, मेरा पिकेक्स टूट गया और मेरे पास काफ़ी सारा आयरन आ गया, तो चलते घर पे सीधा इनको स्मेल्ट करते हैं। और मैं अभी एक नए तरीके का एनविल बनाने वाला हूँ, जो कि मुझे कुछ नए तरीके के रिसोर्सेस बनाने में मदद करेगा। और मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि हम अपने आयरन को डबल भी कर सकते हैं इनरीचमेंट चैम्बर में। ये देखो, जस्ट मेरे को इसको स्प्लिट करना है और इसको हम डबल भी कर सकते हैं। ये देखो, ये जितना भी मेरे पास आयरन आया ना, अब इस आयरन का मैं बना लूँगा। देखो डस्ट से हम ईजिली, ये देखो पूरा एक ब्लॉक आयरन का मिल रहा है, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मुझे बनाना है थोड़ा सा एक नए तरीके वाला एनविल। ओके, सबसे पहले मुझे एक ब्लॉक बनाना होगा और मुझे ये वाला एनविल बनाना है। ये देखो, ये ऐसे करके रखूँगा ना, तो इसमें एक आयरन एनविल टायर वन का बनेगा। वैसे मैं इसको टायर टू में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को स्टील लगेगा टायर टू के लिए, प्लस मेरे को एक और एनविल बनाना पड़ेगा आई थिंक। पहले इसको रख के देखता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं ये तरीके वाला एनविल भाई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो देखो जब मैं इसमें ब्लॉक डालता हूँ ना, तो मैं इन ब्लॉक्स को, ओके स्टील बन रहा है भाई, लेट्स गो। देख रहे हो मेरे इन्वेंट्री में आ रहा है, लेकिन एक ब्लॉक से एक ही स्टील बन रहा है। लिटरली गाइस, रिसोर्सेस के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। लेडीज एंड जेंटलमैन, द डिजिटल माइनर इज हियर। तो भाई डिजिटल माइनर मेरे पास आ गया, अब मैं अपने घर से भी भाई बैठे बैठे यहाँ पे माइनिंग कर सकता हूँ। रात हो गए तो सो जाते हैं भाई। सो अब मैं अपने घर से भी बैठे बैठे माइनिंग कर सकता हूँ, बट इसको पावर चाहिए और पावर मैं इसको इस वाले क्यूब से दे सकता हूँ। ओके गाइस, तो भाई मेरे को एक पिकेक्स भी चाहिए होगी, अच्छी वाली पिकेक्स। तो इसमें एक एटॉमिक डिसेंबलर बनता है, मैं ये बना लेता हूँ, इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। तो ये बन गया गाइस एक एटॉमिक डिसेंबलर, और इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ। और इसको चार्ज करने के लिए मेरे को जस्ट इसको इसके अंदर रखना है और ये चार्ज हो जाएगा। और ये चार्ज होने के बाद इसकी पावर देखना, बहुत बढ़िया पावर है ये, एक झटके में तोड़ता है हर एक ब्लॉक को, ये देख रहे हो गाइस। और मैं जैसे ये निकाल देता हूँ यहाँ से बैटरी, और इस बैटरी को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस बैटरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ आउटपुट। ओके देखो, अभी इसमें पावर आ गया, मैंने सारी ही साइट को आउटपुट पे कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये माइनिंग करना शुरू कर देगा। बट अभी क्या है, मुझे पहले इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और इसमें हम अपग्रेड भी डाल सकते हैं स्पीड वाले।
ओके तो इसको चलाने के लिए भाई हमें कॉन्फ़िग में जाना होगा और यहाँ पे हमें फ़िल्टर में जाके और हमें वन मटेरियल आई थिंक वन डिक में जाके और यहाँ पे और लिख के और यहाँ पे एक स्टार सिंबल देना होगा आई थिंक। ओके देखो इससे हम हर तरीके का और माइन कर सकते हैं, देख रहे हो अब मैं किसी भी तरह का और माइन कर सकता हूँ ठीक है। और अब मैं बैक जाता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कुछ ना कुछ और ये कुछ स्टार्ट कर रहा है माइन करना। ओके इसका विजुअल भी दिखाता है कि ये कितना क्या और माइन करेगा, लेट मी चेक। ओह ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है इतना ज़्यादा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गलत कर दिया है, रुको। ओके स्टॉप करते हैं इसको, रीसेट करते हैं और कॉन्फ़िग में जाके ये मैंने 200 जो किया था ना इसको रीसेट करना पड़ेगा, 60 में रीसेट करता हूँ इसको और इसको 0 में रीसेट करता हूँ। आई थिंक अभी होना चाहिए ठीक। ओके अभी स्टार्ट करके देखो। ओके देखो अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है 16,570, मतलब इतनी चीज़ें ये माइन करेगा। अभी चेक करूँ जाके मैं, अभी ऊपर तो नहीं आ रहा ना। ओके अभी ऊपर नहीं आ रहा है, अब ये माइन करना शुरू करेगा और एनर्जी भाई अच्छी खासी एनर्जी खाता है ये, तो मेरे को इसको आउटपुट भी देना पड़ेगा और आउटपुट के लिए मैं एक चेस्ट ले लेता हूँ। ओके सिल्क टच करने के बाद चलेगा क्या ये, मैंने सिल्क टच किया तब जाके चल रहा है ये। अच्छा सिल्क टच ऑफ किया मैंने आई थिंक। और क्या एनर्जी खा रहा है भाई ये, हर तरीके का और निकाल रहा है यहाँ पे, काफ़ी फास्ट एनर्जी जा रही है। अगर मैं यहाँ से इसका पाइप अटैच कर दूँ ना इसमें तो ये मतलब काफ़ी एनर्जी मेरी बच जाएगी, तो मुझे ना ऐसा करना चाहिए, मुझे एक पाइप अटैच कर देना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इस डिजिटल माइनर को ना बाहर की तरफ लगा दूँ यहाँ पे और यहीं से ही मैं अपने और जो है इकट्ठे करता रहूँगा। ओके गाइस देखो डिजिटल माइनर बिल्कुल सेटअप हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से और यहाँ से मैं इसको पावर दे दूँगा। हाँ यहाँ से मैं इसको पावर दूँगा, ये लग गई बैटरी और ये आ गई इसके अंदर पावर और बाहर से मैं केबल सेटअप कर देता हूँ। केबल कहाँ रख दी मैंने, ये रही केबल। इसको स्टार्ट कर देते हैं वापस। ओके तो यहाँ पे चीजें आना शुरू हो गई है, मुझे लगता है गाइस मेरा घर ना बहुत छोटा पड़ने वाला है मुझे। ओके गाइस तो भाई मैंने डिजिटल माइनर को यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया है और ये बढ़िया तरीके से चल रहा है और मैंने इसमें थोड़े अपग्रेडेशन भी डाल दिए, जैसे एनर्जी अपग्रेडेशन, एंकर अपग्रेडेशन और स्पीड अपग्रेडेशन। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चेस्ट लगा दिया जिसके अंदर सामान आ रहा है पूरी स्पीड में और थोड़ा यहाँ पे होपर लगा के एक चेस्ट और लगा दिया ताकि अगर ये वाला चेस्ट भर जाए तो इस वाले चेस्ट में सामान भरता रहे। एंड जो बाकी के ओर्स वगैरह वो थोड़े बहुत मैं अपने मतलब मैनुअली भी यहाँ से उठाता रहूँगा, ये पूरा ऑटोमेटिक तो नहीं है भाई, बट हाँ ये है कि ये सामान फुल नहीं होगा यहाँ पे, तो मतलब मेरे को बार बार नहीं आना पड़ेगा, बस ये बीच बीच में थोड़ा आना पड़ेगा कि चेस्ट ना भर जाए मेरा और जो बाकी का सामान है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाता रहूँगा भाई और इनको स्मेल्ट करता रहूँगा यहाँ पे अपने ओपी वाले फर्नेस में। तो मेरा माइनिंग का सिस्टम तो रिसोल्व हो गया है, मतलब अब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो जाएंगे। फिलहाल मुझे एक और एनविल बनाना है ताकि मैं टायर 2 का एनविल बना सकूँ और इसमें जितने हाई फाई एनविल होते हैं ना गाइस उतना हाई फाई ही हम चीज़ों को बना सकते हैं। एक एनविल रखा और 10 स्टील रखे। ओके टायर 2 का एनविल बन गया, लेट्स गो। अब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं तो हम अपने लिए बढ़िया वाली टरेट जरूर बना सकते हैं ताकि भाई रात होने पर जितने भी मॉब्स आते हैं ना, जितने भी म्यूटेटेड क्रीचर्स आते हैं ना, उनको मैं मार पाऊँ, क्योंकि यार ये रबड़ की गोलियाँ फेंकने वाली टरेट्स तो मेरे को लग रहा है किसी काम की नहीं है अब। ओके गाइस नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो भाई अब मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है। मेरा वेन माइनर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और इसने सारे के सारे चेस्टें जो पूरी भर दी है और इनका भाई मैंने फ़ायदा भी उठाया, जितने भी मैंने एनविल वैनविल बना लिया है। और सबसे तगड़ी चीज़ जो अभी मैंने बनाने वाला हूँ ना, पहले मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। देखो एक प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म और तीसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पीछे की तरफ है, ये रहा, और चौथा प्लेटफॉर्म है ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये क्या लगने वाला है, यस गाइस यहाँ पे लगने वाली है टरेट्स जो कि मेरे इन्वेंट्री में हैं।
तो मैं 4 टरेट में अभी बना पाया हूँ भाई। वैसे तो मैं मुझे ज़्यादा टरेट बनानी थी, मगर अभी के लिए 4 टरेट काफ़ी है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा शक्ति पावरफुल चीज़ें नहीं आई है। और मैंने अपने लिए एक आर्मर भी बना लिया जो कि मेरे को थोड़ी बहुत स्पीड वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह, हेस्ट वगैरह दे रहा है। और ये आई थिंक इन्फानाइट है, और ये मुझे जंप बूस्ट 2 भी दे रहा है। तो ये आर्मर गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये आर्मर मैं कोबाल्ट से बना पाया हूँ, मतलब कोबाल्ट इसमें एक तरह का इनगट होता है। और आई थिंक कोबाल्ट मेरे पास अभी कितना बचा है, मेरे पास कोबाल्ट लीड ओके पूरा एक स्टैक है मेरे पास अभी कोबाल्ट। और भाई इस गेम का फोर्स देख रहे हो कैसा है, बहुत तगड़ा फोर्ज है। बाकी गाइज मेरे को सबसे पहले बदला लेना है इस वाले एंडरमैन से, और इससे बदला लेने के लिए ना मैंने एक स्वॉर्ड बनाई है जो कि ये भी कोबाल्ट की स्वॉर्ड है। इसका अटैक डैमेज 16 का है, वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, और मैं चाहूँ तो वैसे इसको मतलब रैपिडली फायर कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो कूल डाउन है वो बिल्कुल भी नहीं है। ओ शिट, उसने मेरे को ऊपर से गिरा दिया। ओ यार मेरे को टरेट जल्द से जल्दी बनानी पड़ेगी, शिट। बाकी गाइज मैं अभी थोड़ा सर्वाइव कर पा रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं वन शॉट मर जा रहा था। तो बाकी अभी मैं अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ करना होगा। यार मैंने अभी तक खाने पीने का जुगाड़ नहीं किया, आई डोंट नो वाई, बट अरे यार ये जो मॉब्स हैं ना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते जा रहे हैं गाइज। मैं छोटे वाले पैरासाइट्स को वन शॉट किल कर पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात तो भाई जो एंडरमैन है ना उससे मेरा बदला पूरा होगा। ये देखो ये एंडरमैन की ही गर्दन है जो घूम रही है इधर उधर, बट ये टरेट भाई उसको मेरे पास आने नहीं देती, टेलीपोर्ट करवा देती है। तो चलो भाई अब जरा मैं टरेट लगा देता हूँ जो कि बड़ी टरेट होने वाली है, क्योंकि यार मेरे को पता है कि यहाँ पे ना बड़े बड़े मॉब्स आने वाले हैं और उनसे बहुत तगड़ी फाइट होगी मेरी। तो अब ये बड़ी वाले टरेट लगाने, तो सबसे पहले ये वाले टरेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये टरेट लगी और इसके अंदर जाएंगी एमओ ये वाली, एंड यस गाइस इसके अंदर AI चिप भी लगती है भाई, देख रहे हो AI चिप। तो इस ये चिप मैंने अपने नाम से बना के डाल दिए इसमें, क्योंकि अगर मैं इसमें AI चिप नहीं डालूंगा तो ये टरेट जो है मुझे भी मार देगी। और इसके अंदर अब मैं पावर डालने वाला हूँ, तो ये इसके अंदर पावर आ गई है, और अब इसको चालू कर देते हैं। और ये टारगेट मॉब्स पे स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जैसे ही पैरासाइट्स आएंगे ना ये उनको मारना शुरू करेगी। एंड यस गाइस इस टरेट की भी एक रेंज है, तो ये इन्फानाइट नहीं मारती भाई। यार कब तक मैं एप्पल से पेट भरता रहूँगा यार, मेरे को अच्छा वाला खाना चाहिए भाई। फिलहाल मेरे पास थोड़े कैरेट पड़े थे, तो चलो इन कैरेट्स को गोल्डन कैरेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि मैं थोड़ा बहुत फूड जो है भाई अपना बढ़िया वाला खा पाऊँ। रात होने वाली है भाई, रात होने से पहले मेरे को ना फटाफट से लगा देनी होंगी ये चीज़ें। और यहाँ पे देखो भाई जो मेरा वर्ल्ड है वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया है, मतलब मेरे को जल्दी से न्यूक ब्लास्ट करना पड़ेगा वरना यहाँ पे तबाही मचने वाली है। तो एक टरेट मेरी सेटअप हो चुकी है, बाकी के टरेट मेरे को सेटअप करनी है भाई, रात होने वाली है। शिट 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 शिट, मेरे को जल्दी काम करना होगा। ओह नाइस गाइस, देख रहे हो ये चलनी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे ये मॉब्स आने भी शुरू हो गए हैं। ओह शिट मेरी तलवार, ओह ये मेरी तलवार गिरा दी इन्होंने। गाइस ये टरेट जल्दी मारो यार इनको, शिट। ओ माय गॉड गाइस ये आना शुरू हो गए, ये बहुत जल्दी आ गए यार। नाइस, यस यस भाई टरेट बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेट्स गो। ओ भाई तबाही मच गई है यहाँ पे, मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शिट गाइस मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी रेड आ जाएगी, मगर ये बड़ी रेड नहीं है गाइस, सोचो इससे भी बड़ी रेड होगी यहाँ पे। बाकी गाइस टरेट बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और गाइस अब अपनी फाइनल टरेट लगाने का भी वक्त आ गया है। और बाकी गाइस ये टरेट बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। ओ माय गॉड, मैं फिर से नीचे गिर गया। मुझे सोना पड़ेगा। फाइनली गाइस मैं सुरक्षित जिंदा बच गया,
ओह माय गॉड, दिन हो गया तो अब ये थोड़े स्पॉन होना कम हो जाएंगे। बाकी गाइस ये देखो ब्लॉक वगैरह बनने लग गए हैं, मतलब अब मेरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्पोनर बनने शुरू हो गए। शिट भाई, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। मुझे लगता है गाइस मुझे वो स्पोनर वहां से तोड़ के आना पड़ेगा, वरना ये खत्म ही नहीं होंगे। ओ शिट, ये क्या निकला, ये क्या था, ये क्या निकल रहा है नीचे से। शिट शिट शिट, ये किसी तरह का क्रॉवलर है भाई, ये डेथ वॉर्म जैसा क्यों लग रहा है मुझे। ओ शिट, ये क्या निकल रहा है भाई जमीन में से। ओ मैंने मार दिया इसको, नाइस। गाइस मुझे यहां से ये तोड़ना होगा भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओ ओके, ये स्पोनर है। ओ यार मैं फंस ना जाऊं यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगी। शिट ओके, मैंने स्पोनर तोड़ दिया। अरे ये अंडे निकाल रहे किसी तरह का। ओके मैंने एक स्पोनर डिस्ट्रॉय कर दिया इनका, बट भाई इनकी तादाद यहाँ पे कहीं पर भी बढ़ सकती है, कहीं से भी आ सकते हैं। ओ यार शिट, ओ मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ओ माई गॉड गाइस, मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा म्यूटेट होते जा रहे गाइस। भाई इससे पहले उड़ने वाले आए, मुझे फटाफट से लैब से लेके आना होगा न्यूक। भाई मुझे लगता है मुझे एक मास्क बना लेना चाहिए अपने लिए, ताकि मैं वहां पे ब्रीथ तो ले सकूं एटलीस्ट। मास्क मैंने बना लिया है, गैस मास्क, क्योंकि यार वहां पे बहुत ज्यादा गैस होगी, रेडिएशन होगा, तो मेरे को गैस मास्क चाहिए ही चाहिए था। हाँ खाने के मेरे पास बहुत ज्यादा कमी है, बट गाइस अगली रेड आने से पहले, अगला म्यूटेशन होने से पहले मेरे को लैब पहुंचना पड़ेगा और न्यूक लाना पड़ेगा और उसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी मैं अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो मैंने रेंडर डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया है, और अभी शायद से मुझे यहाँ से लैब दिख जाएगी, वो कहीं उस तरफ कहीं पे टावर होगा। ओके डिस्टेंस रेंडर हो रहा है। ओके गाइस, तो मेरे को टावर दिख चुका है सामने बिल्कुल, इस टावर पे मेरे को पहुंचना है गाइस, और अब मुझे यहाँ पे अपनी आखिरी टरेट जो कि मेरा रामबाण है भाई, और ये वाले टरेट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस टरेट को गाइस मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये टरेट जो है बहुत ज्यादा ओपी टरेट है, अगर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो सच में गाइस बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी, क्योंकि ये जो है एक रॉकेट टरेट है, और ये मैं तभी चलाऊंगा जब उड़ने वाले आएंगे। तो इसके अंदर मैं बैटरी नहीं डालता, या फिर मैं ऐसा करता हूँ बैटरी डाल देता हूँ बट इसको एक्टिवेट नहीं करता, तो अभी ये एक्टिवेट नहीं है गाइस। वैसे तो सही बताऊं तो गाइस मेरे को एक रीजनरेशन के लिए भी कुछ चीज चाहिए थी, बट अभी मैं रीजनरेशन नहीं बना सकता भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं रीजनरेशन के लिए अपना टाइम वेस्ट करने बैठ गया ना, और या फिर अपना कुछ खाना बनाने के लिए टाइम वेस्ट किया मैंने, तो यहाँ पे दूसरा रेड आएगा और जो पैरासाइट है वो इवॉल्व हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और फिर भाई मेरे हाथ से सब कुछ चीज निकल जाएगी। तो मेरे को फटाफट से पहले न्यूक लेके आना होगा, उसको ब्लास्ट करना होगा। तो चलो गाइस न्यूक लेके आते हैं भाई। ओके गाइस, तो भाई मैं लेबोरेटरी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूँ, और वहां पे मेरे को कोई मरा हुआ भी दिख रहा है। मुझे लगता है गाइस सारे के सारे साइंटिस्ट थे जो वो मर चुके हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और फैक्ट्री है, बट गाइस ये किसी काम की नहीं है, हमारे काम की वो है, तो हमें वहाँ जाना है। ओके गाइस, तो भाई मैं रेडिएशन जोन में आ गया हूँ, और वहाँ पे देखो गाइस अभी तक ब्लास्ट का धुआं जो है, मतलब अभी तक रेडिएशन जो आसमान में है। तो गाइस मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरे काम की चीज़ है वो कहाँ पे है, बस मेरे को रेडिएशन से थोड़ा दूर रहना है। और मुझे लगता है गाइस मुझे रेडिएशन मास्क यहाँ पे पहन लेना चाहिए भाई, ताकि मैं थोड़ा रेडिएशन से बच जाऊँ। मुझे लगता है गाइस मुझे लेबोरेटरी में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और मुझे एक खून के धब्बों का पीछा करना पड़ेगा आई थिंक। ओ यहाँ पे एक सोल्जर भी मरा हुआ है। ओ भाई ये बहुत बड़ा क्लाउड है गाइस, मेरे को लगता है मैं रेडिएशन की चपेट में आ गया हूँ। चलो गाइस अब देखी जाएगी, अब चाहे रेडिएशन की चपेट में आऊँ चाहे किसी चीज़ की चपेट में आऊँ, मुझे बस न्यूक लेना है यहाँ से। तो आई थिंक ये यहाँ का गेट है, और भाई यहाँ के भी सिक्योरिटी गार्ड जो वो मर चुके हैं, और रेडिएशन बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है मेरी बॉडी में, मुझे लगता है मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। एंड गाइस मैं घर से ना थोड़ी गोल्डन एप्पल भी लेके आया था, इसीलिए लेके आया था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत सारा रेडिएशन होगा। ओ माय गॉड गाइस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। शिट मुझे जल्दी से न्यूक ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे है।
भाई यहाँ का साइंटिस्ट भी मर चुका है। शिट, ओके, ओ ओ गाइस मेरे को मिल गया, एक बैटरी भी ले लेता हूँ यहाँ से। ओके बाकी मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है गाइस, अब मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना है भाई, यहाँ के बनीज को भी रेडिएशन लग चुका है। ओके गाइस तो भाई मैं घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ और यहाँ पे तो तबाही फैली पड़ी है। शिट गाइस ये इतनी जल्दी, ओ भाई गाइस उड़ने वाले भी आ गए हैं अब तो भाई, और ऊपर से मेरे को रेडिएशन और लगा हुआ है। शिट 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 गाइस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई है। ओ माय गॉड गाइस मैं किस किस चीज़ से बचूं भाई, ये क्या क्या आ गया। ओ भाई मेरी टरेट भी तोड़ दी, शिट। ओ ये क्या है, ये बहुत खतरनाक हो गया, मेरे को अपनी रॉकेट वाली टरेट ऑन करनी होगी, लेट्स गो। ओके गाइस तो भाई मैंने अपनी रॉकेट वाली टरेट ऑन कर दी है, क्या ये मर पाएंगे देखना रहेगा। लिटरली गाइस ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं और भाई मैंने यहाँ पे अपनी रॉकेट वाली टरेट भी ऑन कर दी है। ओ शिट गाइस देख रहे हो, लेट्स गो, ये देखो रॉकेट लग रहे हैं उनको, और भाई अब मेरे को अपनी मेन चीज़ भी करनी होगी यहाँ पे, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यानी कि मुझे न्यूक ब्लास्ट करना होगा। लेट्स गो गाइस, इससे पहले कि मेरे पे कोई और चीज़ अटैक करे मुझे यहाँ पे न्यूक सेट करना होगा। ओके मैंने न्यूक सेट कर दिया है पूरा का पूरा भाई, अरे यार पता नहीं मुझे कितनी बार मरना पड़ेगा न्यूक सेट करने के लिए। लेट्स गो गाइस मैंने पूरा न्यूक सेट कर दिया है, और अब आप लोगों को ये कौन स्पॉन हो गया यहाँ पे, आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी मुझे, अगर मैं वो न्यूक ऑन करता हूँ, यानी कि ये जो न्यूक है इसको ऑन करता हूँ, तो मेरा ये वर्ल्ड, मतलब मेरी ये जो दुनिया मैंने जो छोटी सी बनाई है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई बात नहीं गाइस, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना, लेकिन इस वर्ल्ड को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया, साथ में गाइस ये विलेज भी जाएगा देख लेना, अगर मैंने ये नहीं किया तो डेफिनेटली सी बात है गाइस यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। तो मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है भाई, मेरे को आने वाली जनरेशन को बचाना है। तो बाय गाइस, दुआओं में याद रखना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं दुआओं में याद करना।